Hello friends, myself Doctor Vikas. I am practicing in Chandigarh. My friends, होम्योपैथी को लेकर के लोगों के मन में काफ़ी तरह के सवाल हैं. काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं इसमें किसी लेवल पर स्टीरॉयड का इस्तेमाल काफ़ी हद तक किया जाता है और अगर कोई केस ठीक हो जाता है तो उसका क्रेडिट तो होम्योपैथिक डॉक्टर को मिले या ना मिले, लेकिन अगर कोई केस ठीक नहीं होता है, किसी केस में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो पेशेंट को ये कहने का मौका पहले पेशेंट को कि होम्योपैथी काम नहीं करती है, और उसके बाद जो भी कन्वेंशनल डॉक्टर हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, उनको ये कहने का मौका बड़े आसानी से मिल जाता है कि होम्योपैथी में कुछ नहीं रखा. तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज आपका ये जो शक है या ये जो शुबा है, ये जो डाउट है कि होम्योपैथिक दवाओं में स्टीरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है, इसको मैं चाहता हूं कि हमारे जो मास्टर्स हैं, हमारे जो टीचर्स रहे हैं होम्योपैथी में, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और एक क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूं, और पिछले 13-14 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि लोगों के मन में ये जो मिथ है ये काफ़ी हद तक सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर रहा है. माय फ्रेंड्स, इस मिथ को कैसे दूर किया जाए, इस डाउट को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, आई विल रिपीट अगेन, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एज वेल एज some other test to check the nanomedicine present inside homeopathy are available in the market, but don't go for the test such as reducing sugar test. In that case, because our homeopathic medicines are made up of lactose and sugar of milk, that is sugar of milk, sometimes it may give false negative or false positive results. So don't rely upon reducing sugar test. Always rely on thin layer chromatography and other specialized test to check the bioavailability of homeopathic medicines. My friends, क्या होम्योपैथी को आज भी किसी प्रूफ की या किसी तरह के प्रमाण की जरूरत है? मैं जानता हूं तकरीबन आज से कोई तकरीबन 40 साल पुरानी मैं आपको ये बात बता रहा हूं. हमारे अपने परिवार में होम्योपैथी को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी. ये बात मैं आपको बता रहा हूं 1978 और 1980s की. उस वक्त भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर बड़े छोटी क्वांटिटी में हुआ करते थे, और गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स और रेगुलेशंस थे वो कुछ कुछ हद तक बनना शुरू हो गए थे, लेकिन होम्योपैथिक कॉलेजेस जो थे वो कुछ पर्टिकुलर बड़े शहरों में ही सीमित थे. बट माय फ्रेंड्स, मेरे को याद है अच्छी तरह से, ये मैं शहर आपको बताऊं, मैं बात कर रहा हूं, मुजफ्फरनगर शहर है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर, और वहां पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर इतने पॉपुलर थे, डॉक्टर का नाम भी मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूं, डॉक्टर इंद्रमल नाम था उनका, और द्वारकापुरी मुजफ्फरनगर में प्रैक्टिस किया करते थे. और हमारा पूरा परिवार, हमारे परिवार में कुछ ऐसा हादसा हुआ, हमारे बड़े भाई साहब को कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से ऑस्टियोमाइलाइटिस उनको डेवलप हुआ, बाद में ऑस्टियोमाइलाइटिस होम्योपैथिक दवाओं से ठीक हुआ. और माय फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि उस छोटे से शहर की छोटी सी एक कॉलोनी में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर ने मेरे अंदर जो ऊर्जा भर के और मुझे चंडीगढ़ शहर में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, और आज पिछले 15 सालों से मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूं. मुझे अच्छी तरह से याद है उनकी जो प्रैक्टिस थी, मैं जब उनको बड़ा छोटा सा हुआ करता था, मैं उनको वॉच करता था रेगुलरली। हमारे घर पे वो रूटीन में आया करते थे हमारे भाई साहब को चेक करने के लिए। हमारे पिताजी को बाद में प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने ही ट्रीट किया। आज भी हमारी पूरी फैमिली में तकरीबन 150-200 लोगों के परिवार में तकरीबन 90% लोग होम्योपैथिक दवाइयों पर पूरा विश्वास रखते हैं और उन्हें होम्योपैथिक दवाई से पूरा आराम भी आता है। अब यहां दोस्तों ये चीज समझने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज पर आप विश्वास रखते हैं उस चीज से आपको आराम भी जल्दी आ जाता है। मेरा आज ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं कि लोगों को ये मिथ निकाल सकें कि स्टीरॉयड होम्योपैथिक दवा में नहीं होता है। सेकेंड थिंग, होम्योपैथिक दवाएं जो हैं वो सही तरीके से अगर दी जाएं, सही तरीका क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को लेकर के, इंडिविजुअलाइजेशन को लेकर के अगर प्रॉपर तरीके से रूब्रिक्स लिए जाएं, प्रॉपर तरीके से सिम्टम्स की स्टडी करके मेडिसिन दी जाए, तो बीमारी का नाम आप कुछ भी रखें। यू से इट लाइम्स डिजीज, यू से इट जॉर्गरेन सिंड्रोम, यू से इट फॉर रिमेटॉइड आर्थराइटिस, से इट फॉर लेप्रोसी, से इट फॉर ट्यूबरक्लोसिस, से इट फॉर आस्थमा, नंबर ऑफ डिजीज, बिकॉज बीमारी का नाम कुछ भी दिया जा सकता है। लेकिन माय फ्रेंड्स, साइन एंड सिम्टम्स आर द लैंग्वेज ऑफ डिजीज। जो बीमारी के लक्षण है वही बीमारी की अपनी एक भाषा है। हमें डॉक्टरों को समझाने के लिए केवल और केवल लक्षणों की जो समष्टि है, लक्षणों का जो टोटलिटी है, हम उसको समझते हैं और उसी के हिसाब से होम्योपैथी में दवा दिया जाता है। तो माय फ्रेंड्स, पहला सवाल मैंने आपका क्लियर किया, दूसरा क्लियर किया। अब बात आती है सेलिब्रिटीज। होम्योपैथी में बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं। अगर मैं बात करूं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में, राइट फ्रॉम अशोक कुमार, लता मंगेशकर, राइट फ्रॉम अमिताभ बच्चन, राइट फ्रॉम नरगिस, संजय दत्त, होल फैमिली ऑफ संजय दत्त, एंड दिस स्पेशल सेलिब्रिटीज में अगर काउंट करें हॉलीवुड में जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे टीना टर्नर है, चाहे हम बात करते हैं डिफरेंट, एंजेलिना जॉली है, या ब्रैड पिट है, या स्पोर्ट्स में हम अगर जाएं तो डेविड बेकम हैं, या सचिन तेंदुलकर हैं, या इंडिया में हम लोग उसेन बोल्ट हैं, उनकी भी बात कर सकते हैं। इंडिया में और भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो होम्योपैथी को यूज़ कर रहे हैं। और मेरे को अच्छी तरह से याद है बोरिस बेकर, जो कि टेनिस में एक बहुत बड़ा नाम है, मार्टिना नवरातिलोवा, जो टेनिस एल्बो के लिए परेशान थी, उसको होम्योपैथी से रिलीफ हुआ। मेरा आपको ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप इंटरनेट पे आप जाएं, सेलिब्रिटीज क्यों होम्योपैथी को चूज कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, प्रिंस चार्ल्स हैं, जो प्रिंसेस डायना हैं, महारानी एलिजाबेथ II हैं, उनकी पूरी फैमिली, एक तरह से उनकी पूरी फैमिली होम्योपैथी को यूज़ कर रही है। डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, डिफरेंट फिलोसोफर हैं, हाई क्वालिटी राइटर्स हैं, पोलो कैलो या और डिफरेंट जो अपकमिंग बडिंग राइटर्स हैं, जो भी आर्ट और फिलोसफी के लवर्स रहे हैं, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर रहे हैं। या अगर मैं बात करूँ US में प्रेजिडेंट्स की, तो राइट फ्रॉम अब्राहम लिंकन टू बिल क्लिंटन to Obama, everybody was using homeopathy. And my friends, Charles Darwin, एक ऐसा नाम मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं, Charles Darwin was a biggest supporter of homeopathy at his time. I am talking about 200 years back. आज से 200 साल पहले जब उसकी पहली किताब Origin of Species, जिसके ऊपर पूरी की पूरी बायोलॉजी का एक बेस है, और वो Origin of Species को लिखने से 10 साल पहले वो बहुत भयंकर तरीके से बीमार हुए और केवल होम्योपैथी चिकित्सा से पूरी तरह से फिट होकर के उन्होंने वो किताब लिखी। भगवान ना करे अगर उनकी उस बीमारी से कभी उस टाइम पे अगर उनके साथ कुछ हादसा होता, तो आज शायद हमें बायोलॉजी का जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है, जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का जो नोमेनक्लेचर सिस्टम और जितना भी उन्होंने डेवलप किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो रूल बनाया, ये सब चीजें हमें देखने को भी नहीं मिलनी थी। तो कहीं ना कहीं माय फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंट लीडर्स रहे हैं या डिफरेंट साइंटिस्ट हैं या सेलिब्रिटीज हैं, ये होम्योपैथी को यूज करते हुए क्या हमें ये प्रमाण नहीं दे रहे हैं कि होम्योपैथी काम करती है? My friends, रियलिटी चेक आप खुद कर सकते हैं। आप अपनी नियर बाई क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें। मेरी बताई हुई सभी बातें अच्छे ध्यान से आपने जैसे सुनी है उसको जाकर के नियर बाई होम्योपैथिक डॉक्टर से कंफर्म करें। कंडीशनली आपका डॉक्टर क्लासिकल होम्योपैथ हो, वो सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइबर हो, उसको इंडिविजुअलिटी ऑफ सिम्टम्स उसके बारे में पता हो और उसने पर्टिकुलरली ये किताब जरूर स्टडी की हो, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज बाइबल ऑफ होम्योपैथी। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, दिस इज कॉल्ड एज बाइबल ऑफ होम्योपैथी। माय फ्रेंड्स, जब तक इस किताब को हमने नहीं पढ़ा है, चाहे हम होम्योपैथिक डॉक्टर या हमें प्रैक्टिस करते हुए 20 साल भी हो गए हैं, अगर हमें इसके जो सिद्धांत हैं, होम्योपैथी के जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं हुई है तो फेथ सिस्टम से आप किसी व्यक्ति को एक या दो बार, 2 साल 4 साल बेवकूफ बना सकते हो। इतनी सारी सेलिब्रिटीज फॉर लास्ट 200 इयर्स दे आर यूजिंग होम्योपैथिक मेडिसिंस। आप इकट्ठे कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन प्रमाणिकता के लिए क्या ये चीज खोजना बहुत जरूरी है कि जब तक हमें प्रमाण नहीं मिलेगा एफिकेसी। अगर आपको मेडिसिन प्रूव हो रही है और आपकी तकलीफ ठीक हो रही है, इससे बताइए इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए आपको। अगर हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से राइट फ्रॉम, आई विल टॉक अबाउट डॉक्टर सरकार हैं कलकत्ता में, या डॉक्टर होनिक बर्गर थे जिन्होंने होम्योपैथी की हिंदुस्तान में शुरुआत की, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार हुए, उसके बाद उन्हीं की आगे नेक्स्ट जनरेशन चलती रही और शंकरन जैसे लोग, डॉक्टर पी शंकरन, डॉक्टर राजन शंकरन, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर, डॉक्टर फारूक मास्टर, डॉक्टर राजेश शाह, नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ दीज डॉक्टर्स कैन बी इंक्रीज्ड, बढ़ाई जा सकती है। इस तरह की बहुत बड़ी लिस्ट है होम्योपैथिक डॉक्टर्स की जिन्होंने होम्योपैथी में बहुत नाम कमाया है दोस्तों, और जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर होम्योपैथी का कैनवेसिंग भी किया है, प्रचार भी किया है। और माय फ्रेंड्स, आज अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम भी ऐसा कुछ लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि होम्योपैथी को लेट अस गिव इट अ ट्राई। अगर आपने अपने किसी तकलीफ के लिए फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन एलोपैथिक डॉक्टर से भी लिया है, नो प्रॉब्लम, बट हैव सम सेकंड ओपिनियन फ्रॉम अ क्वालिफाइड होम्योपैथिक मेडिकल डॉक्टर ऑल्सो। सो माय फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट अ स्मॉल मिथ्स अबाउट होम्योपैथी, जो होम्योपैथी से लेकर के फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन करें या आप हमें डायरेक्ट हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग योर डिजीज और रिगार्डिंग एनी मिथ रिगार्डिंग होम्योपैथी। सो माय फ्रेंड्स, आई ट्राई टू एंड अप हियर एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल आल्सो प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिनिकल केसेस, लाइव प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच।